हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस, यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो, एंड आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा रिक्वेस्टेड है। काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है ना। हां जी, जब से मैंने जो है रिक्वेस्ट सॉरी वीडियो बनाना शुरू किया है इस्लामिक टॉपिक्स पे, तब से मुझे मतलब ये वीडियो शो होती थी इनके ना वसीम रिजवी के साथ, डॉक्टर जाकिर नाइक का कुछ है ना। सो आज भी सेम वही है। सो टाइटल डॉक्टर जाकिर नाइक न्यू रिप्लाई टू वसीम रिजवी। सो वसीम रिजवी का पता नहीं है हमें कि कौन है। सो वीडियो देख के लगेगा पता। हां जी, क्योंकि मैंने हमने कोई रिसर्च भी नहीं करी। आप लिंक सेंड करते हो, मैंने पहले भी कहा कि हम लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप बताना हमें वसीम रिजवी के बारे में। आपको पता है हम हर बार आपसे ही पूछते हैं। सो लेट्स सी मकसद आज से नहीं, हमेशा से मुगलों ने भी यहाँ पर आकर हिंदुओं को अपमानित किया। यहाँ पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई तो अपमानित करना था। ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान में जगह नहीं थी कि मंदिरों को तोड़कर ही बनाना। ये आई थिंक वसीम रिजवी जी हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना। हाँ। क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर दो, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए? एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम्स आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताइए। बहुत खूब भाई साहब ने तीन सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला के नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है, बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है जलाना चाहिए। सही है ना? इसी तरीके से ये खाली अफवाह है, कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोगों का कत्ल किया,
कुछ लोग का शायद कत्ल किया जाएगा। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी कम्युनिटी, कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते, ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजार लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद क्या होगा, और ये ही सबूत है, मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन, 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे ये जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए, ये अलाइदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब के अच्छे चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती सबसे ज्यादा नारा मुसलमान है गलत है, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग है उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना चाहिए जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है, कितने मुख्तलिफ ग्रोह है हजारों, ये मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है, ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए, बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है तो हम निकाल देंगे उसको। क्या बात, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मजाहब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीज है हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं, सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीज है इसे आदमी ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मजहब की अच्छी चीज लेंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। आप आए तो फिर ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं। शंकराचार्य, श्री श्री रविशंकर जी। ओ यार, मैं तो मतलब कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मजहब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुबहाना होता है नाजिल की, कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत मतलब आज ना कुछ थोड़ी, मतलब जाकिर नायक साहब जो है ना कुछ अलग मूड में लग रहे थे,
राइट है ना, क्योंकि वो कहते हैं आप मुझे आंसर दो, मैं आपको पूछता हूँ, मुझे आंसर दो, अगर कुछ डिबेट हुई तो मैं उसमें आऊंगा, मैं कि भाई आप आओ तो फिर मतलब ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा, फर्स्ट टाइम तो क्या मतलब सेकंड थर्ड टाइम हुआ होगा, इनकी वीडियो देखी कि मजा आ रहा था कि और सुनने का मन कर रहा है, ऐसे मन कर रहा है कि हम और सुने, क्योंकि ऐसे आंसर्स होते हैं ना जो मतलब और मजा आता है, एक तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गेन हो जाती है ना। हमें मतलब लोगों ने कमेंट किया है, हम वीडियो में बहुत ज्यादा हमने कहा है कि हमें बहुत मजा आया, एक वीडियो थी जो जिसमें बंदे ने क्वेश्चन किया था मैं मुसलमान हो जाऊंगा अगर मेरे सवालों का जवाब मिलता है, तो आज मैंने सुबह ही इसका कमेंट पढ़ा, नीचे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं शायद ये नहीं है, उन्होंने कहा कि आप वीडियो मजे के लिए मत देखो, इन्फॉर्मेशन भी जानो, सो हमें पता है हम इससे हमें यार, आप एक, जिसने नहीं देखी है वीडियो उसको पता होगा, और देखो आप उस वीडियो पे लगभग 800-900 कमेंट आए हैं, ठीक है 800-900 में से अगर 4-5 गलत भी है और 795 अगर ठीक भी है तो मैं 795 का साथ दूंगा, उनका समर्थन करूंगा, हम इतना हंसे हैं, मतलब मजा है वो हंस के ना, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने उनको मतलब उनका आंसर दिया, ऊपर से उनको नहीं समझ में आया था जो नीचे वो खड़े थे जिनका क्वेश्चन था वो थोड़े कंफ्यूज हुए, तो हमें मजा था कि मतलब इतना हंसी आ रही थी, हंसी आ रही उसकी बातें ऐसी थी यार, हम समझ तो रहे थे चीज के लिए, और जो मैंने कमेंट्स वाली बात कही है वो मेरी अपनी वो खुद की प्रायोरिटी है कि जो 795 है उनको पता है कि हम क्या चीज कर रहे हैं और क्या चीज हम देख रहे हैं और वीडियो के थ्रू हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो फिर और ये वीडियो है। देख के उन्होंने भी जो महसूस किया और 795 बिल्कुल सही था, 3-4 गलत है उनकी तरफ देखने लगे तो 795 कुछ ऐसी बातें भी हैं, आई थिंक मुझे ये लगता है कि शायद जो बीच में कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं वो आई थिंक वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, ये रीजन होगा क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरी देखी होती आपका ऐसा कमेंट नहीं आता, सो कोई बात नहीं, बाकी फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।